तो देखो आपके सामने एक चेतावनी वचन के अनुसार बताया है कि अगर इंसान का कर्म अच्छा है तो इंसान को सुख और दुख, भलाई बुराई, यहाँ तक कि अगला कर्म, अगला जन्म भी कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। ठीक वचन के अनुसार बताया है कि मन काबू में कब रहता दिल ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, यारी किसकी अच्छी होती जो नेक चलन का बंदा हो। भाई मित्रता कब टूटती जब विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में नहीं मिले बुराई जो मनुष्य का कर्म बंदा हो। यानी कि कर्म प्रधान बनाया है तो देखो कवि ने वचन के अनुसार बताया है तो क्या बताया है? अरे बुरे कर्म अब तक दे बन्ने, अब बुरे कर्म अब तक दे मन में जाना सबको यार।
बैठे थे जिनका बुरा हाल हो रहा था, तो बताया कि हिरणा कुछ वरदान पाकर नित उत्पात मचावत था, जो कोई राम नाम को जपता उसको मार गिरावत। लेकिन बताया कि विष्णु जी ने मार गिराया, धर्म नरसिंह अवतार कृष्ण नहीं केरी। तो देखो बताया कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धार करके उस हिरणा कुछ का वध कर दिया था। तो देखो तीसरे नंबर में बताया है, तो क्या बताया है कि और किसने बुरे कर्म किया उसका क्या हाल हुआ, तो बताया है मजबूर हुआ। और बताया कि मनमोहन मजबूर हुआ, लिया रूप मोहनी धार मर्या है फेरी में। यानी कि भस्मासुर ने भी मन में बड़ा मंड किया था, बुरा कर्म किया था, तो विष्णु भगवान ने मोहनी रूप धारण करके उस दुष्ट का अंत किया था। इसी प्रकार से बताया कि इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तो बताया आखिर में जी महाराज की, संतों के दरबार की जय।